इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रामविलास वेदांती। वेदांती जी, जिस तरीके के ये नतीजे सामने आए हैं, आप लोग यही कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हुआ है सर? देखिए, सनातन की विजय हुई है, हिंदुत्व की विजय हुई है, राष्ट्रवाद की विजय हुई है, आतंकवाद की पराजय हुई है। जब कांग्रेस ने कमेटी की बैठक करके हमास का समर्थन किया, उसी दिन मैं समझ गया था कि तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया, भाजपा राष्ट्रवाद पर ही चले, राष्ट्रवाद की विजय हुई है और आतंकवाद की पराजय हुई। सबके बीच में जिस तरीके से जो है लगातार बयान सामने आ रहे थे, और आचार्य प्रमोद कृष्णा में जो कि कांग्रेस के, उन्होंने भी यही कहा है कि सनातन का जो अपमान किया गया, सनातन का, हिंदुत्व का, मठ मंदिरों का, भारत माता का जो कांग्रेस ने विरोध किया उसी का परिणाम है। आतंकवाद का कांग्रेस ने समर्थन किया, हमास का समर्थन किया, फिलिस्तीन का समर्थन किया, उसका परिणाम है भाजपा की विजय। और आगे आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 के पार जाएगी। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया, सनातन का विरोध किया कांग्रेस ने, तो सनातन धर्म वाले लोग किसी कीमत पर कांग्रेस को जीतने नहीं देंगे। इस सबके बीच में अगले महीने राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है, तो आप मानते हैं 2024 का एक बड़ा मुद्दा वो भी रहेगा? 2024 के प्रारंभ में श्री गणेश में ही भगवान राम लला अपने मंदिर पर विराजमान हो जाएंगे, और हमको विश्वास है कि राम लला के बल पर जैसे भाजपा आई प्रारंभ से, वैसे ही रामलला जैसे विराजमान होंगे पूरे विश्व में भाजपा की लहर आएगी। मोदी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका परिणाम है तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनना। मोदी की करामात है, मोदी का प्रयास है, मोदी का विश्वास है, इस प्रकार भाजपा जीत कर आई है और आगे भी भाजपा जीत कर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो नारा दिया था 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही में बात की जाए जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसको जो है सनातन का अपमान बता रहे हैं रामविलास वेदांती। अंकित गुप्ता, ABP News के लिए।